परसेंटेज इन इट्स एप्लीकेशन का प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर हेडिंग दे दीजिए आप लोग प्रॉफिट लॉस। अच्छा आप लोग एक बार सिलेबस में देख के बताओ, आपके सिलेबस में प्रॉफिट लॉस के साथ डिस्काउंट भी पढ़ना है क्या आप लोग को? सर क्या प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद डिस्काउंट भी पढ़ना है क्या? नहीं सर, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। यस सर, सर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके कितने बच्चे आए हैं? हर्षिता आई है और सत्यम आया है ना। ओके बाकी सब बच्चे अभी आए नहीं है। ओके ओके सो अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का ये एप्लीकेशन है। एक्चुअली परसेंटेज को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है बाबू। पहला तो हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में समझा कि परसेंटेज कैसे काम करता है, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, और उसपे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने बनाया। इसके बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट, ओके बाबू। और ये चैप्टर होने के बाद संडे को हम लोग कवर करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर होगा आपका तो। सो अगर बच्चे सारे आ गए हैं तो हम लोग स्टार्ट करें। नहीं अभी दो ही बच्चा आया है ना, तो कौन कौन बाकी है? दिव्यांश और सर दीपिका और कभी कभी निशानी भी आ जाती है। वो आ जाती है कभी, मैं तो बहुत दिन से उनको नहीं देखा, मतलब क्लास में नहीं आई है वो। यस मुझे तो पता नहीं, मुझे जब नोटिस दिखाई देता है तब मैं क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। तो आपने संडे को नहीं ज्वाइन किया जो? सर मुझे बाकी दिन तो 3:30 to 5 के अराउंड है। संडे का याद नहीं है टाइमिंग? आप पहले रिमाइंड कर लो, एक मोबाइल में ना अलार्म लगा लो, ठीक है। मोबाइल में अलार्म लगा लो 12:45 का, ठीक है। समझ में आ रहा? ओके तो हमको जो लग रहा है कि शायद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे आएंगे कि नहीं पता नहीं चल रहा, ठीक है। देखो सो देखो बाबू यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो कंडीशन है ना, कोई भी बिजनेस, जब मतलब बिजनेस इन द सेंस की कोई भी अगर सामान को अगर हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिट या उसमें कुछ लॉस होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं एक्चुअली क्या है। मान लो ये हम लोग पेन का एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, ठीक है। ये पेन जो होता है वो शॉपकीपर आपको कितने में देता है ये पेन? मान लो ये पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ, ओके, ये पेन एक्चुअली कितने का आता है आपके पास? 10 रुपीज का है ना, ये 10 रुपीज का आता है। तो क्या किया शॉपकीपर ने, ठीक है, शॉपकीपर ने ये 10 रुपीज में इस पेन को दिया और आपने इसको लिया है, तो ये 10 रुपीज एक्चुअली क्या है बोलो तो? शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है ना, और मेरे लिए ये क्या है बोलो तो? ये है कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस, तो देखो जिस प्राइस पे, ठीक है, बात को पहले समझो क्या कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। जिस प्राइस पे हम लोग कोई भी आर्टिकल को खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी आर्टिकल को हम लोग जिस प्राइस पे खरीदते हैं वो प्राइस ही एक्चुअली क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे शॉपकीपर उस आर्टिकल को बेचता है, जैसे 10 रुपीज में उसने बेचा तो ये इसके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और 10 रुपए में मैंने सेम चीज को खरीदा, ठीक है, सेम एक पेन को 10 रुपए में खरीदा, तो जब मैंने 10 रुपए में इस पेन को खरीदा है, ठीक है, बाय किया है, तो ये 10 रुपीज मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है और सेम 10 रुपीज ये शॉपकीपर के लिए क्या है बाबू? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, बात को समझो। अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अगर आपको समझना है तो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस क्या होता है बताओ बाबू? आर्टिकल शॉपकीपर से खरीदते हैं, शॉपकीपर से नहीं, ऐसा नहीं, मान लो शॉपकीपर भी तो इस पेन को खरीदा होगा ना, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली क्या है? प्राइस है जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल को खरीदा जाता है। तो मैंने इस पेन को 10 रुपीज में खरीदा है इसलिए मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, बट ये पेन शॉपकीपर के लिए क्या होगा? इसके लिए शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? उसके लिए 9 रुपीज,
है ना, इस पेन को उसने कितना में खरीदा होगा, 9 रुपीज में, वो उसने सेल किया कितने में, 10 रुपीज में, है ना। तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली क्या, एक प्राइस है जिस प्राइस पे आर्टिकल को खरीदा जाता है, बात समझो पहले, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली क्या, एक प्राइस है जिस प्राइस पे शॉपकीपर क्या करता है, उस आर्टिकल को खरीदता है या कोई भी उस आर्टिकल को खरीद रहा है, तो जिस प्राइस पे वो खरीदता है वो प्राइस एक्चुअली क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जैसे मान लो ये 10 रुपीज को मैंने क्या किया, हर्षिता को 12 रुपीज में बेच दिया, ठीक है। ये 10 रुपीज का पेन को मैंने क्या किया, 12 रुपीज में बेच दिया, तो 12 रुपीज मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और हर्षिता के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हर्षिता तो 12 रुपीज में खरीद रही है और मैं 12 रुपीज में इसको बेच रहा हूँ, तो ये दो अलग अलग चीज है, समझो पहले, ठीक है। ओके सर। तो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस क्या है बाबू, फिर से मैं समझा रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस एक्चुअली प्राइस होता है, ठीक है। मेनली एक प्राइस है जिस प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हम लोग क्या, कोई भी उस आर्टिकल को बाय करता है, ठीक है। जिस प्राइस पे तुम आर्टिकल को बाय करोगे वो एक्चुअली प्राइस ही क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है बाबू, बट इस प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं। तो सेल, जिस प्राइस में हम लोग सेल कर रहे हैं या जिस प्राइस में हम लोग खरीद रहे हैं, तो देखो जिस प्राइस में बाई करते हैं हम लोग खरीदते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है, और जिस प्राइस पे हम लोग सेल करते हैं, जिस प्राइस पे हम लोग सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ रही बाबू? सर तो जिस प्राइस से हम लोग किसी चीज को बाय करते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है, बट शॉपकीपर की वो सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस है। यस, समझ में? यस सर। क्लियर हुआ? हर्षिता, सत्यम, यस सर, एंड दिव्यांश, क्लियर हो रहा बाबू? हाँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले बेसिक चीज समझना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली क्या है कि जिस प्राइस पे हम लोग कोई भी आर्टिकल को खरीद रहे हैं, ठीक है, जिस प्राइस पे हम लोग कोई भी आर्टिकल को खरीद रहे, बाय कर रहे हैं, वो प्राइस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि शॉपकीपर ने एक पेन को क्या किया, सेल किया है 10 रुपीज में, और 10 रुपीज में मैंने लिया है, तो ये 10 रुपीज मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, बट उस शॉपकीपर के लिए क्या है, वो सेलिंग प्राइस है ना। अब क्या किया, इस सेम पेन को मैंने 10 रुपए में खरीदा है और मैंने हर्षिता को क्या किया, 12 रुपीज में बेच दिया, है ना। वो छोटी सी बच्ची है, उसको कुछ पता नहीं है, मैंने उसको बेवकूफ बना के क्या किया, 12 रुपीज में बेच दिया। तो अब क्या है, वो 12 रुपीज जो है वो हर्षिता के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, वो 12 रुपीज मेरे लिए क्या है, वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये समझ में आया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट बाबू? हाँ सर। यस सर। ओके, अगर ये क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो ये दोनों अलग अलग चीज है बट सेम चीज से रिलेटेड है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है एक्चुअली ये दोनों सेम चीज से रिलेटेड, दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट कब होगा, बात को समझो, जैसे मैंने क्या किया, 10 रुपीज में खरीदा है इस पेन को और क्या किया, 12 रुपीज में बेच दिया ना, मेरा कॉस्ट प्राइस देखो कितना था, 10 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना था, यहाँ पे मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस 12 रुपीज है। तो इस कंडीशन पे मुझे क्या हो रहा है, बोले तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 10 रुपीज में मैंने पेन को खरीदा और 12 रुपीज में हर्षिता को बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपीज का, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर अब देखो क्या है, हर्षिता ने इस पेन को खरीदा, अब क्या है कि दीपिका के पास, वो बोली कि दीपिका मेरे पास एक पेन है, राजीव सर ने दिया है ये पेन, तो क्या तुम ये पेन लोगी, तो दीपिका बोली हाँ लूंगी, बोले ठीक है मैंने 12 रुपीज में खरीदा है, आप मुझे 15 रुपीज दे दो, तो दीपिका बोल रही नहीं यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो 10 रुपीज में ही ले पाऊंगी, सॉरी मेरे पास 10 रुपीज ही है, चेंज नहीं है मेरे पास, पैसा ही नहीं है मेरे पास, ठीक है ऐसा कुछ बोल रही है दीपिका, उसके पास पैसा नहीं है, वो बोली कि मैं तो 10 रुपीज दे पाऊंगी, मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा नहीं है,
मैं 15 रुपीज नहीं दे पाऊंगी। तो फिर हर्षिता ने सोचा कि चलो ये दोस्त है मेरी, बाद में हमको कुछ हेल्प करेगी। तो क्या की वो 12 रुपीज का पेन को वो क्या की 10 रुपीज में ही सेल कर दी। वो 12 रुपीज में खरीदी थी है ना, 12 रुपीज हर्षिता के लिए कॉस्ट प्राइस था, और 10 रुपीज में क्या की वो दीपिका को दे दी, दीपिका को वो सेल कर दी है ना। तो इस कंडीशन में देखो हर्षिता को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है ना। वेरी गुड। तो देखो प्रॉफिट कब होता है, अब हम लोग को सवाल यहाँ पे है, हम लोग को कंडीशन समझना है कि प्रॉफिट किस कंडीशन पे होता है। तो देखो बोल रहा है जब एसपी जो होगा ठीक है बड़ा हो जाएगा किससे, सीपी से। ये साइन का मतलब पता है क्या होता है? यस सर, बड़ा होता है इसका मतलब। इज ग्रेटर देन सीपी, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन है ना, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और लॉस कब होगा बाबू, जब आपका कॉस्ट प्राइस, देखो यहाँ पे कंडीशन समझो, हमारा हर्षिता के लिए हर्षिता के लिए कॉस्ट प्राइस 12 रुपीज था, और उसका लिए सेलिंग प्राइस, इस कंडीशन पे सेलिंग प्राइस क्या है बाबू 10 रुपीज है ना, तो कम है। तो जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये समझ में आया बात? बोलो ये क्लियर हुआ पहले? यस सर। ठीक है, तो तुम ऐसे वर्ड में लिख सकती हो, वर्ड में अगर चाहो तो लिख सकती हो कि व्हेन एसपी मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ये समझो पहले ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, व्हेन कॉस्ट प्राइस, सर क्या करा रहे हैं आप, हिंदी करा रहे बाबू? सर नहीं, कौन सा चैप्टर बोले तो हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, रविदास के दोहे। यहाँ पे आपको क्या देख के लग रहा है बाबू बताओ? सर मैथ्स है लेकिन चैप्टर। यहाँ पे क्या दिख रहा है बोलो? प्रॉफिट लॉस है ना, कितनी समझदार हो गई हो तुम। इतना लेट से आने का क्या मतलब है बाबू बताओ? सर वो घर पे काम हो रहा था तो टाइम तो नहीं देते थे। तो तुम काम कर रहे थे? नहीं सर। तो सर टाइम नहीं देखे थे हम। वाह 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 वाह, ऐसा सा बच्चा मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। चलो चलो, तो यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ दीपिका, तुमको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो ठीक है, हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए। देखो कुछ पूछना है? नहीं सर। सब समझ में आ गया? तो तुम आधा घंटे से बेकार पढ़ा रहे, तुमको सब सबको समझ में आ ही गया होगा, सब तेज है बच्चा लोग। नहीं देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस के बारे में हम लोग ने यहाँ पे अभी कवर किया। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली क्या होता है, वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम लोग कोई भी आर्टिकल को खरीदते हैं है ना। तो देखो अगर मान लो ये पेन है ठीक है, पेन 10 रुपए का आता है मान लो, तो ये 10 रुपए में आप खरीदते हो ना, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, पेन मांगते हो तो पेन देता है, उसके लिए आप 10 रुपए उसको पे करते हो। तो ये पेन को आपने कितने में खरीदा है, 10 रुपीज में। तो 10 रुपए में खरीदा है, जिस प्राइस पे हम लोग कोई भी चीज को खरीदते हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ओके, और जिस प्राइस पे शॉपकीपर उस सामान को बेचता है ना, वो प्राइस एक्चुअली क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। समझ में आया? बोलो दीपिका है ना। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया था, वो आपको मैं समझाता हूँ फिर से ठीक है। देखो क्या किया, देखो शॉपकीपर ने क्या किया, एक पेन को 10 रुपीज में बेच दिया, सेल किया ठीक है, और 10 रुपए में मैंने खरीदा भी है, मतलब 10 रुपीज में मैंने खरीदा है तो 10 रुपीज में सेल भी किया है, तभी तो है ना। तो ये 10 रुपीज मेरे लिए क्या है बाबू, कॉस्ट प्राइस है, और ये 10 रुपीज शॉपकीपर के लिए क्या है बाबू, सेलिंग प्राइस है ना। ओके वेरी गुड। अब देखो ये 10 रुपीज का कॉस्ट प्राइस, ये पेन लिया मैंने, और मैंने क्या किया ना, मैं सोचा कि हर्षिता तो बहुत मासूम लड़की है तो मैं उसको बेवकूफ बना लेता हूँ, क्या करता हूँ, इस 10 रुपीज का पेन को मैंने क्या किया, हर्षिता को 12 रुपीज में बेच दिया है ना, 12 रुपीज में क्या किया, सेल कर दिया। तो अब ये 12 रुपीज मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस, और हर्षिता के लिए क्या है, 12 रुपीज
कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड। अब फिर से एक कहानी समझो, ये 12 rupees का पेन है। अब वो सोची ना, देखो वो क्या सोची कि राजू सर ने मुझे बेवकूफ बनाया, अब मैं दीपिका को बेवकूफ बनाऊंगी। तो वो क्या किया, 12 rupees का पेन लेके गई तुम्हारे पास, दीपिका मेरे पास एक पेन है, राजू सर ने दिया है, तो मैं 12 rupees में खरीदी हूँ, तुम 15 rupees में लोगी क्या? तुम बोले कि नहीं मेरे पास 13 rupees है, मैं 10 rupees से ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगी, मैं 10 rupees से ज्यादा दूंगी नहीं। तो दीपिका सोच रही है, हर्षिता सोच रही है कि क्या करूं यार, अभी 10 rupees का पेन मैंने ले लिया है, 12 rupees का, और ये तो बिक ही नहीं रहा है 15 में, ठीक है। तो वो सोचे चलो ठीक है, दीपिका मेरी दोस्त है, वो 12 rupees का पेन को क्या की 10 rupees के में ही वो सेल कर दी। तो ये 10 rupees एक्चुअली क्या है, हर्षिता के लिए सेलिंग प्राइस है, और तुम्हारे लिए क्या है दीपिका, तुम्हारे लिए 10 rupees कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन समझते हैं, जब मैंने 10 rupees में खरीदा था और दीपिका को 12 rupees में बेचा, तो इस कंडीशन पे मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। कैसे? क्योंकि इस कंडीशन पे सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। देखो कॉस्ट प्राइस 10 rupees है और सेलिंग प्राइस 12 rupees है। तो ये समझ में आया मुझे कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, व्हेन एसपी इज मोर देन सीपी, तब इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और हर्षिता के केस में, हर्षिता ने 12 rupees में पेन को खरीदा ही था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 12 rupees, और सेलिंग प्राइस कितना हर्षिता का 10 rupees, तो इस कंडीशन में क्या होगा हर्षिता को, लॉस है ना। तो लॉस का कंडीशन क्या है कि जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है उसके सेलिंग प्राइस। तो ये पूरा कहानी है अभी तक का, अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग आगे बढ़े। हर्षिता समझ में आया बाबू? यस सर। दीपिका, दिव्यांश? यस सर। ओके, हम लोग पेज चेंज कर, लिखना है क्या आपको, नोट करना है, नोट कर लो। हो गया, हो गया सबका, दीपिका हो गया बाबू सर, मैंने कर लिया। दीपिका सर एक मिनट रुकिए। दिव्यांश और हर्षिता आपका हो गया होगा ना? यस सर। वेरी गुड। अच्छा 50 में यहाँ पे आप लोग अपना मार्क्स बताओ, कितना गिन का आया 50 में मैथ्स में? सर ये माय स्कूल वाले टेस्ट में ना? यस यस। किनका कितना सर आया? पता है मुझे सर, मेरा 50 में से 45 आया। हर्षिता का और दीपिका? यस। बाबू आपका कितना आया? और सत्यम और दिव्यांश का? सर मेरा आया 40, पर सर मुझे मतलब आप बोले थे नेगेटिव मार्किंग, पर सर मैं भूल गया था, ऐसे मेरा 14 राइट है, पर नेगेटिव मार्किंग के चलते मेरा 40 आ गया। और सत्यम? सर मैंने ही बोला सत्यम। अच्छा दिव्यांश? सर कौन सा मैं? क्या कौन सा? 2 साल पहले एग्जाम हुआ था ना, उसी के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। बाबा अभी जो टेस्ट थी, सब्जेक्टिव टेस्ट मैथ्स माय स्कूल का, 39। और दीपिका तुम नहीं बताओगे क्या? सर दीपिका का तो हाईएस्ट मार्क्स 48। हेलो सर, दिखा रहे थे हाईएस्ट मार्क्स 48। दीपिका कितना है आपका बाबू? सर यस सर, जो टेस्ट हुआ था हम लोग का ऐप पे, उसके क्वेश्चन पढ़ाए हुए नहीं थे, वो समझ ही नहीं आ रहे थे सर, बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था। हाँ तो क्वेश्चन तो हार्ड ही रहेगा, वो ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ही होता है, मतलब सब कुछ कुछ अलग सर, लेकिन आप जो नहीं बताया वो भी आया था। हाँ तो ऐसे एग्जाम में तो होता ही है ना,
कि जो टीचर जो पढ़ाता है क्या सब वही आ जाता है क्या? कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन देने पड़ते हैं कि चेक करने के लिए बच्चा। बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन था बाबू, तो ऐसे बच्चा लोग का कैपेसिटी कैसे पता चलेगा? एक बच्चा को कितना आता है, अगर मैं जो क्वेश्चन कराए सेम क्वेश्चन वापस अगर दे दूं तो आप तो बना ही लोगे, नया क्वेश्चन दूंगा तब तो पता चलेगा बच्चा घर में कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, ये बताओ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग घर में पढ़ो मन से तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो देखो ऐसे समाज तो आए गई। सर मैं पढ़ती हूँ सर, नेगेटिव मार्किंग का लेवल मेरा कम हो गया। कोई नहीं चलो, ये कॉपी हो गया बाबू सबका हंसता? यस सर। हाँ सर। ओके ओके चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? हम लोग अब कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा आपने मेरे अभी मैंने आपको जो कंडीशन बताया था उसमें देखा था ना मैंने प्रॉफिट और लॉस कैसे बनाया, तो यहाँ से आपको बता सकते हो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे बना होगा? प्रॉफिट जो मेरा टीचर आया था वो कैसे आया था, जब हम लोगों ने सेलिंग प्राइस में से यस, तो फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट निकालने का, फॉर्मूला क्या बनेगा कि जब हम लोग अपना सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, है ना? वेरी गुड। और लॉस का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, जब कॉस्ट प्राइस में से हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। दीपिका हर्षिता समझ में आया बाबू? दिव्यांश यस सर। वेरी गुड। अब देखो जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे ना बाबू, तो इसके साथ साथ क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, ओके सर, प्रॉफिट पर कॉस्ट प्राइस इन 200। सुनो मैं बता रहा हूँ, क्या सुनो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी निकालोगे, तो प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट ऊपर में रहेगा, लॉस परसेंट निकालोगे तो ऊपर में क्या रहेगा लॉस, नीचे में क्या रहेगा हमेशा याद रखना सीपी, नीचे में जो रहेगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस, ठीक है? ये कभी गलती मत करना वरना आपका आंसर अलग आएगा मार्क्स कट जाएगा, ये ना। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे ये चार फॉर्मूला में? नो सर। हेलो आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बोलो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट कैसे निकला, लॉस कैसे निकला, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकला और लॉस परसेंट कैसे निकला, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है? ये फॉर्मूला है प्राइस। नो सर, नहीं डाउट है। किसी को दिक्कत है? ओके अब सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? कहीं कहीं पे, ठीक है, आपके बुक में देखना बाबू, ठीक है, प्रॉफिट के जगह पे गेन लिखा रहेगा, ठीक है? ओके कहीं क्वेश्चन प्रॉफिट पे लिखा रहता है, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट, ओके? तो प्रॉफिट का मतलब ही गेन, तो जहां पे प्रॉफिट होगा वहां पे गेन का फॉर्मूला बैठा देंगे, है ना? ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालोगे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालोगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, ये हमेशा याद रखना, दोनों में सीपी होगा, ठीक है? यस सर। मेरे बुक पे क्वेश्चन था वो बहुत कंफ्यूजिंग है। कौन सा क्वेश्चन मामला? सर एक स्कूल बुक से क्वेश्चन है। ना कौन से चैप्टर का है बोलो? सर परसेंटेज का ही है। तो क्वेश्चन भेज दो व्हाट्सएप में, हम लोग देख के बता देंगे क्या क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन भेज दिया करो, देखो मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? सुनो मैं सबको बोल रहा हूँ, आप जब भी क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, घर में आप जब पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, जहाँ पर डाउट हुआ तो तुरंत उस क्वेश्चन को भेज दो ग्रुप में, ठीक है? मैं क्या बता रहा हूँ सुन लो, ठीक है? पहले तो होगा क्या कि आपका जो जो डाउट है ना वो तुरंत क्लियर होगा,
अगर मेरे पास मान लो कभी टाइम नहीं हुआ कि अगर मैं बता नहीं पाया, ठीक है, तो ग्रुप में तो बाकी सारे बच्चे भी हैं, अगर किसी को आएगा तो बाकी आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर्षिता पूछेगी तो सिर्फ मैं ही बताऊंगा, दीपिका आप भी बता सकते हो, दिव्यांश आप भी बता सकते हो, और सत्यम उसका आंसर आप भी कर सकते हो। तो ऐसा आप लोग को देखो, अगर आपस में कोई भी अगर डाउट है, आप पढ़ रहे हो, आपको डाउट हुआ, आप तुरंत ग्रुप में क्या करो, क्वेश्चन को भेज दो। क्वेश्चन भेजने के बाद क्या होगा ना, अगर मैं देखूंगा पहले मैं बना दूंगा, अगर आप में से कोई अगर पहले देखा और उनको आता है क्वेश्चन तो आप बना देना, सिंपल है ना। ओके सर, समझ में आया ना, सब एक दूसरे का हेल्प करना, ठीक है बाबू। ओके सर, ये नहीं नहीं बता, ठीक है। ओके सर, ओके, आप लोग काफी समझदार बच्चे हो, तो ये सब चीज बताने की नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट समझ में आ गया ना। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस करें क्या? यस सर, यस सर। ओके, क्वेश्चन है बाबू, इफ सीपी इज 100 एंड एसपी इज 120, दिख रहा है बाबू, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 120। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड फर्स्ट नंबर प्रॉफिट और दूसरा नंबर परसेंटेज प्रॉफिट। ये बना के दिखाई तो मुझे दीपिका, हर्षिता, सत्यम, दिव्यांश, चलो मुझे जल्दी से बना के दिखाइए। okay. मैं देखता हूँ कौन कौन से बच्चे को ये चैप्टर क्लियर हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ, और कौन बच्चा झूठ बोल रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है। ओके, मैं भी ये सर आंसर आ गया, कितना है बाबू? सर आंसर आ गया, कितना है आंसर, कितना है सर? 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट, यस सर। कितना? सर 20। ओके, सर प्रॉफिट 20 और प्रॉफिट परसेंट 20%। ओके, वेरी गुड, शाबाश। बाकी दो ही बच्चों का आंसर आया अभी, इसका मतलब दो बच्चों को क्लियर नहीं हुआ ना। दीपिका, बाबू, आपको समझ में आ रहा क्या? हम लोग क्या अभी तक जो पढ़े आपको क्लियर हुआ? दीपिका, जोर से बोलो बाबू, हम इतना चिल्ला रहे हैं, आप लोग ऐसे करोगे तो फिर कैसे पढ़ाएंगे? जोर से बोलो, जय माता दी। हेलो दीपिका, समझ में आ रहा बाबू? हाँ सर, कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे बोलो कि हाँ सर कर रहे। दिव्यांश, आपका आंसर नहीं आया बाबू? आ गया सर। तो बोला नहीं तुम? सर बोले, आप आंसर बोलोगे तब तो मुझे पता चलेगा। अभी सत्यम और हर्षिता का आंसर आ गया, देखो मेरे साथ आपको पढ़ना है ना बाबू, तो आपको मेरे साथ बात करना पड़ेगा। सिर्फ मैं ही उतना देर से बोलूं, अपना एनर्जी वेस्ट करूं और आप चुपचाप रहोगे तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, या तो फिर ऐसा होगा मैं सिर्फ हर्षिता और सत्यम से ही बात करूंगा। फिर सुन लो, अगर आप लोग मेरे साथ बात नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं आपके से। आप ग्रुप में हो, आप क्लास में इंटर भी हो, बट मैं सिर्फ बात करूंगा, पूछूंगा हर्षिता और सत्यम से ही, अगर आप लोग मेरे बात का जवाब नहीं आंसर नहीं करोगे। दिव्यांश, दीपिका, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। बताइए आंसर आया इसका बाबू? सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो बोलो ऐसे कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई बड़े बात नहीं बाबू। देखो नया चीज है ना, किसी का बन भी सकता है, किसी का नहीं भी बन सकता है, सारे बच्चे एक जैसा थोड़े होता है। तो देखो समझो, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, देखो तो पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो बाबू, क्या है फॉर्मूला बाबू? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, बोलो। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है बाबू? 120 है क्या? हाँ, कॉस्ट प्राइस 100 है ना, तो प्रॉफिट कितना निकला बाबू?
20 रुपीस आया या 20 आया बोलो। हाँ बाबू। हाँ सर। ओके अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना मुझे, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बोलो बाबू क्या था। तो प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 बोलो, ये समझ में आया। प्रॉफिट कितना आ गया बोलो बाबू आपका, 20 आया देखो तो 20। कॉस्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस 100 है ना, और यहाँ पे इसका 100, ये 100 और 100 कटा, आंसर कितना आएगा बाबू 20% आएगा क्या percent. बोलो ये समझ में आया सबको। हाँ, सुबह बुझते पर छे बंगला में कुछ बोल रहे थे सर, मुझे समझ आया लेकिन मुझे बंगाली बोलनी नहीं आती सर, मुझे बोलने आता है। बोलने आता है? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया सबका। यस सर। हाँ सर। यस सर। वेरी गुड, देखो ऐसे ही बात किया करना है, जब भी मैं पढ़ाऊँ ना मेरे साथ एटलीस्ट आप लोग थोड़ा बात करो, तभी मैं बता पाऊँ, मतलब मुझे एक्चुअली सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को क्लियर हो रहा है। आपको समझ में नहीं भी आया तो पूछो, इसमें डरने वाला या हिचकिचाने वाला कोई बात नहीं। दो बच्चा का बन गया, आपका नहीं बना कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए हूँ ना। आप चुपचाप रहोगे तो बाबू हम ना मुझे समझ में आएगा और ना ही मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने ये बात आपको बताया है कि नहीं, पहले ये बताओ कि लाइफ में ना कभी भी तीन आदमी से अपना बात कभी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। पता है वो कौन कौन है, तीन आदमी, तीन पर्सन कौन कौन है? हाँ सर। कौन कौन बोलो सर? मम्मी पापा टीचर। वाह, मम्मी पापा तो एक ही हो गया बाबा, पेरेंट्स सर। बताओ बताओ सर। गर्लफ्रेंड। सर गर्लफ्रेंड, क्या क्या बोल रहे तुम? फ्रेंड फ्रेंड सर, फ्रेंड बोले। अच्छा अच्छा ठीक है, और सर सिब्लिंग्स। सर सिब्लिंग्स। सिब्लिंग्स नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ध्यान रखना इस चीज को, भूलना। देखो सुनो, आपके लाइफ में ना बहुत सारे टीचर्स आएंगे, ठीक है, बट मैं जो बता रहा हूँ इस बात को कभी मत भूलना। ठीक है, लाइफ में ना कभी भी तीन आदमी से, तीन पर्सन से कभी भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। पहला तो अपने पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, कुछ भी हो सब कुछ शेयर करना चाहिए, कुछ भी, ठीक है, हर एक छोटा से छोटा बात अपना मम्मी पापा को बताना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप मम्मी पापा को अपना हर एक बात बताओगे ना, लाइफ में आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, वो पापा मम्मी हमेशा हेल्प करेंगे तुमको, लाइफ में बहुत आगे जाओगे आप। आपका सारा सॉल्यूशन जो है ना, आपके प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन आपके पेरेंट्स के पास ही होता है, तो उनसे कभी भी कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए। बात समझ में आया? ये हो गया पहला। यस सर। फर्स्ट पेरेंट्स, ठीक है, दूसरा जो है दैट इज डॉक्टर। डॉक्टर से कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मान लो कि आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर के पास गए, मान लो पापा आपके पापा मम्मी आपके डॉक्टर पास लेके गए और आप कुछ बोल ही नहीं दे हो, ठीक है, कि मेरे को कहाँ पे पेन हो रहा है, तो डॉक्टर कभी दवा लिख पाएगा क्या? कोई भी डॉक्टर कोई दवा दे पाएगा क्या, मेडिसिन दे पाएगा बोलो? नहीं ना, तो आपको कितना पेन होगा बोलो, वो प्रॉब्लम बड़ा भी हो सकता है, अगर बहुत दिन हो जाएगा तो प्रॉब्लम बड़ा भी हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर से भी कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए, जो भी हो, ठीक है, हेल्थ में जो भी इश्यू हो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। सबसे पहले तो मम्मी पापा को ही बता देना है, बाकी मम्मी पापा बता देंगे, फिर भी डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अभी तो आप लोग बच्चे हो, बड़े भी हो जाओगे ना, तो डॉक्टर से कभी भी कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहिए। और थर्ड जो है दैट इज टीचर।
टीचर से भी कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तुमको आ गया बहुत अच्छी बात है, तुमको नहीं आ रहा तो भी तुम बोलो कि यस सर मेरे को नहीं आ रहा है ना, आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे बताओ, आप मुझे सिखाओ कि कैसे होगा। ठीक है, सारे टीचर्स आपके लाइफ में जो आएंगे आपको हेल्प करने के लिए रहेंगे, तो आप एटलीस्ट बोलना पड़ेगा आपको उसके लिए, है ना। बात समझ में आ रहा ना बाबू? यस सर। है ना, एक छोटा बच्चा को देखा हो कभी, जो मतलब न्यू जो बेबी होता है एकदम छोटा सा, उसको जब भूख लगता है देखो वो भी रोता है कि नहीं? यस। तो अगर वो नहीं रोएगा तो उसका मम्मी कभी उसको खाना खिलाएगी क्या? कभी नहीं खिलाएगी। वो रोता है तभी मम्मी को पता चलता है उसका कि यस मेरे बच्चे को भूख लग गया है। तो एटलीस्ट आप लोग तो बड़े हो गए हो तो आपको तो बोलना पड़ेगा, आपको जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा है आपको बोलना है, आपको समझ में आ रहा है वो भी बोलना है कि यस सर मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बात करना पड़ेगा सबके साथ। चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, देखो कॉस्ट प्राइस है 800, सेलिंग प्राइस है 600। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट और यहाँ पे प्रॉफिट के जगह लॉस भी हो सकता है, मतलब चेक करना आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। बोलो बाबू। सर मैं पूछ रही थी कि परसेंट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट लॉस सेम है? प्रॉफिट परसेंट भी बोलता है कोई कोई, परसेंटेज प्रॉफिट भी बोलता है कोई कोई। सर तो दोनों सही होगा। गौतम सर का एक मैसेज आया है, ओके कि जॉइन सेम आईडी एंड पासवर्ड। अच्छा मतलब हम लोग अभी क्लास में हम लोग खत्म होगा ना, तो सेम मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर, चलो यहाँ पे बताओ, देखो कॉस्ट प्राइस है 800, सेलिंग प्राइस है 600। सर आंसर आ गया। रुको रुको मैं पहले समझाता हूँ, क्वेश्चन को पहले सुन लो। सर लॉस। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये बताओ। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकालना है, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालना है। अब बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर? सर लॉस रुपए 200 एंड लॉस परसेंट 200 एंड